बात सुनो भैया, कि क्या खुद दूध पी के भी बिल इसमें दे देते हो हमें? बाजी पीछे से महंगा आ रहा है, क्या करें? इतने पैसों में तो मैं भैंस ले लूं। चलो चलो जाओ, बाद में आके लेना। पढ़ाया कहीं से? बस मैं। हाय, तुम कहाँ से आ गई? कहाँ जा रही? कहाँ जा रही? मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। आय, आय, अल्लाह, अल्लाह। कान कर रही हो? बस मैं तो शुक्र अदा कर रही हूँ रब का कि तुम सही सलामत उस टॉर्चर सेल से निकल आई। मेरी दुआ सुन ली मेरे रब ने। बस बाबा कहाँ है बेटा? वो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, दवाई लेकर सोए हम। तुम्हारे गम में वो भी दिल के मरीज बन गए। मुझे बाबा से मिलना है। एक मिनट, एक मिनट, तुम ऐसे नहीं उनके सामने जाओ, वो परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। तुम अपना हुलिया दुरुस्त कर लो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ और हंसता मुस्कुराता चेहरा दिखाना। मेरे पास कोई और चारा नहीं था यहाँ आने के अलावा, कोई चारा नहीं था। जो किया बिल्कुल ठीक किया मेरा बच्चा, लेकिन मुझे ये बताओ इतने दिन तुमने उन जालिमों का जुल्म बर्दाश्त क्यों किया? तुम्हें पहले दिन वापस आ जाना चाहिए था। ये सब बातें मत करे, मुझे सिर्फ बाबा की टेंशन है। उनके साथ ये सब कुछ जो हुआ है मेरी वजह से हुआ है। ये सब मेरा कसूर है, मेरी वजह से। नहीं, मेरी वजह से। सोचो, ऐसी बातें नहीं करते। सेहत बीमारी सब रब की रजा है। ना तुम परेशान, ऐसे नहीं कहो। मेरी जान, तो हर वक्त तुम्हारे बाबा के साथ साथ तुम्हारी भी फिक्र लगी रहती है मुझे। तो मैं आ गई ना, अब आपको मेरी टेंशन आप मत ले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। कैसे फिक्र ना करो, तुम प्रेग्नेंट हो ना बेटा। इस वक्त में बड़ी एहतियात करनी होती है, अपना ख्याल रखना होता है। मामा, आपको तो मेरे बच्चे से कोई एतराज नहीं है ना? आपको तो कोई मसला नहीं है ना? राज, क्या मतलब? दानिश और उन सबको लगता है कि ये दानिश का बच्चा नहीं है। मुम्मा, मैं अपने ऊपर हर जुल्म बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपने बच्चे पर नहीं, उसका कोई कसूर नहीं है। मैं उसके लिए कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी, उसका कोई कसूर नहीं है। मेरे बच्चे का क्या कसूर है? कमबख्त, पूरा दूध गिरा के चली गई, एक चाय की प्याली भी नसीब नहीं होगी अब। क्या हुआ, भाग गई क्या वो? अब पछताने से कोई फायदा नहीं, ये सब तो पहले से सोचना चाहिए था ना। और अगर कंट्रोल करके रखते ना, तो आज ये नौबत ना आती। तुम अपना मुंह बंद रखो, यहाँ से दफा होने की तैयारी करो। खुद कर इस लड़की। हाय 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 हाय, कैसे बात कर रहा है बहन से? सही कह रही है वो, बिल्कुल तेरी कमजोरी की वजह से हुआ है सब कुछ। कहा था जंजीर डाल के रख उसको, लेकिन नहीं भाई, नाजबरदारियां खत्म नहीं हो रही थी। और क्या, कौन सी नाजबरदारी? सारा वक्त तो अजियत देता फिरता था मैं उसको, कौन सा फूलों की सेज पर सजा के रखा था मैंने उसे। बस बस, हम पे ज्यादा रोब जमाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुन ले दानिश, मैं जानती हूँ ये जाकर सना की मंगनी में कोई पंगे करेगी। कोई पंगा नहीं होना चाहिए, जा जा के वापस लाए इसे। अब तो चिड़िया उड़ गई, और वापस क्यों आएगी पिंजरे में? सही कह रही है, ये किसी काबिल होता तो वो यहाँ से जाती। मैं बता दूं तुझे दानिश, अगर तेरी उस होती सोती ने मेरी बेटी की मंगनी में कोई पंगे किए, जान से मार दूंगी उसे। ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अभी लेकर आता हूँ उसको, कुछ नहीं होगा। जाना फिर जल्दी से,
जल्दी कर, बैठा क्यों है यहाँ? गलत फहमी है तुम्हारी, जो उड़ान भरने का फैसला कर ले फिर उसे दुनिया की कोई ताकत उड़ने से रोक नहीं सकती। अम्मा देख रही हो ना तुम, तुम्हें कुछ करना होगा, ऐसा ना हो कि इसकी वजह से मेरा रिश्ता खराब हो जाए। इतनी मुश्किलों के बाद तो रिश्ता हुआ, और अगर वो रानिया वहां चली गई ना तो हमजा की वो सोई हुई मोहब्बत जाग जाएगी। यही तो मुझे खौफ है, यही तो डर खाए जा रहा है, कहीं सूखे धानों में फिर से पानी पड़ गया तो। अम्मा तो फिर कुछ करना पड़ेगा ना। मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कल शल हो गई है मेरी, पत्थर पड़ गया कल। अम्मा तुम्हें बड़ी फिलासफर बनती हो, कुछ बताओ ना। जरा दम तो ले नवाब, सोचती हूँ कुछ। तुम दोनों माँ बेटी को तो आग लगी रहती, जल्दी गैर काम में। हाय आग, आग तो मेरे जिस्म में लगी हुई है, बस मुझे जा रही, चल चल के खत्म हो जाऊंगी मैं। तुम लोगों को कोई परवाह ही नहीं, कोई मेरा कोई इलाज नहीं कराता। या अल्लाह अम्मा, कोई आग नहीं है, तुम्हें वहम है वहम, और वहम का इलाज ना हकीम लुकमान के पास भी नहीं था।